सुल्तानपुर में पंडित राम नरेश त्रिपाठी सभागार में भाजपा के प्रबुद्ध सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने गठबंधन पर दो टूक कहा। पहले भी आप देख चुके हैं, इस बार भी वन साइडेड चुनाव रहेगा। मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जो नौजवान फर्स्ट टाइम वोट करेगा, उसने 2014 के पूर्व का जमाना नहीं देखा, जब बेहाली ही बेहाली थी। हर नौजवान ये महसूस कर रहा था कब मौका मिले देश से कहीं दूर दूसरे देश चला जाए, क्योंकि यहां कोई भविष्य नहीं है। भाई भतीजावाद, पक्षपात और भ्रष्टाचार हावी था। नरेंद्र मोदी ने देश को सही दिशा दिखाई है और जनता के लिए काम किया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि 10 वर्ष प्रधानमंत्री बने हुए मोदी जी को हो गए। इस बार जो फर्स्ट टाइम वोटर होगा 18 वर्ष का, उसने शायद वो जमाना नहीं देखा 2014 का, जब बेहाली बेहाली थी, निराशावाद था, युवा मायूस था, हर नौजवान इस इंतजार में था कि कब मौका मिले और देश से कूच करके कहीं दूसरे देश चला जाए। सबको लगता था, विशेषकर नौजवानों को, कि यहाँ पे तो कोई भविष्य है नहीं। भाई भतीजावार और पक्षपात और भ्रष्टाचार के चलते कोई एक प्रभावी नौजवान होंगे, परिवार होंगे, उनको अवसर मिलेगा, किसी और को नहीं मिलेगा। मोदी जी ने वो सारा बदला, लेवल प्लेइंग फील्ड दिया है। नौजवानों के लिए इंटरव्यूज की प्रथा समाप्त कर दी, जहां पर धांधली होती थी, गेस्टेड अफसर से अटेस्टेशन समाप्त की, ताकि समाज के किसी भी वर्ग का नौजवान हो, घर बड़ा हो कि छोटा हो, उसे अवसर रहे देश के ऊंचे से ऊंचे पद के लिए अपनी दावेदारी, अपनी प्रतिभा, अपनी विषम के अनुकूल अपनी किस्मत आजमाने का। रायबरेली लोकसभा सीट भाजपा के लिए महत्वपूर्ण है और वो इस बार इसे जीतना चाहती है। इसके लिए भाजपा के कार्यकर्ता, नेता से लेकर मंत्री तक लगे हुए हैं। रायबरेली से राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने संकल्प ही सेवा यात्रा के माध्यम से डोर टू डोर जाकर लोगों से मुलाकात की। उन्होंने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी। राज्य मंत्री ने सोनिया गांधी पर प्रहार करते हुए कहा कि उन्हें पूरे देश में काम करने का समय है, पर अपने संसदीय क्षेत्र में आने का समय नहीं मिल रहा है। रायबरेली जिला बचा है जहां अंग्रेज और अंग्रेजी खानदान अवैध राज कर रहा है। इस आखिरी अंग्रेज और अंग्रेज के खानदान को रायबरेली से विदा करने की हमारी तुम्हारी जिम्मेदारी है। हमारे साथियों, आने वाले 24 में भारतीय संस्कार संस्कृति अक्षुण बने, अखंड भारत का निर्माण हो, इसलिए मोदी जी को आप सबका आशीर्वाद चाहिए।